फौज दे विच जाना कोई सौखा काम नहीं, फौज दे टेस्ट पास करने कोई सौखा काम नहीं, टेस्ट पास करन तो बाद मोर्चिया च बहना कोई सौखा काम नहीं, उल्ट हालातों च काम करना पै जांदा है, माइनस 20 डिग्री या प्लस 50 डिग्री दे विच काम करना पै जांदा है। मानयोग मैंबर साहब अश्विनी जी बोल रहे सी कि 17 साल का जवाक आऊगा बच्चा, 21 साल चो 11 लाख रुपया लेके घरे चला जाऊगा, उन्हें 10वीं भी करावांगे 12वीं भी करावांगे, जो चाहिए तो BA भी करावांगे। स्पीकर साहब मैं ये पूछना चाहना कि मोर्चे च किताबां लेके बैठे करनगे वो, कदों कराओगे 10वीं उन्हें, कदों कराओगे BA उन्हें, कदों कराओगे +2 उन्हें, जो ड्यूटी मोर्चे ते है ना एक हथियार च बंदूक से एक हथियार च किताब होगी कि पेपर ने अगे। सो इस तरह दियां भरम पाने सानू सुपने शेख चिली वाले दिखाने बंद करो, तुसी सीधा कहो साडे कोले पैसे नहीं है, असी पेंशन नहीं देनी, असी तां 21 साल दे नू साबका करना है, तो साबका फौजी का विआह होया करूगा। मुंडा की करता जी साबका फौजी है, किन्नी उम्र है 21 साल, सोच सकते हो तुसी? साडे पिंडां जदों रिटायर होके आउंदे फौजी उन्हां दी इज्जत है, जदों पिंड दे विच सत श्री अकाल फौजी साहब उन्हूं भी माण हुंदा है कि मैं देश वास्ते काम करके आया। कोई बीमार हो जाए मैं आपके हल्के की गल कर आपके पिंड की गल कर लाना, जिन्हें मेरे पिंड च साबका फौजी ने बीमार हो जाण जां कोई ग्रोसरी जां कोई होर समान चाहिए संगरूर वाली कंटीन चो मिलता जी, और इन्ना सस्ता सिर्फ कार्ड दिखा के, फौज उन्हें टेक केयर कर दी है। तो हुण तां तुसीं कहिंदे हो 3 साल वास्ते असीं रेंट ते रखणा, किराए ते हो जूगी फौज, सर किराए ते फौज लड़ लैणगे ओ। जिस तरह मन योग बोलदियां क्या मेरे ख्याल च हरजोत जी ने कहा कि 3 महीने रह गए रिटायरमेंट च, उधरों लड़ाई लगी हुई है, प्रायोरिटी की होगी उहदी? वह मैं क्यों पंगा लेना भी 3 महीने बाद मैं वेला हो जाना, तो छोड़ो परे गोली चला बचो, मतलब तुसी उदी वफादारी खोली उतो, यह नहीं हो सकता सर। सो असी फौजा सल्यूट करते हैं हर रोज, साढ़े पंजाब कोई ना कोई लाश आती है त्रिपुरा तो, कारगिल तो, गंगानगर तो, साडे पिंड 2 मुंडे शहीद हो गए, हाकम सिंह ते जगसीर। जगसीर सूरतगढ़ सी, कोई असला चलाउण दी ट्रेनिंग चल रही सी, बैकफायर कर गया। हाकम पहाड़ा सी, दोनों चाचे दे मुंडे आपस च, वो एवलॉन्च आया बर्फ डिगी, 15 मुंडे दब गए, हाकम भी दब गया। पर सर जे वो पाकिस्तान ना नहीं लड़े जा चीन ना नहीं लड़े तो मतलब ये थोड़ी कि शहीद नहीं है, तो लड़न की तो ट्रेनिंग ले रहे सी, कैंपिंग कर रहे सी। असी उन्हां दोनों मुंडियां दे नाते पिंड सतौज दे विच लाइब्रेरी तो उन्हों का बुत लाया हुआ है, टूर्नामेंट उन्होंने नाते होंगे ने, उन्होंने परिवारों SC परिवार ने उन्होंने परिवारों नौकरी दी है, गवर्नमेंट ने नौकरी दी है, फौज ने नौकरी दी है जी, तो फिर इन्हों का की करांगे जिहड़े तुसीं हुण कहिंदे हो अग्निपथ, रब ना करे इन्हां चों कोई शहीद हो गया फिर ये तो बाद की करोगे जी, उन्हें फौज वाली फैसिलिटियां मिलनगियां नहीं, ना तो पेंशन है ना कंटीन है। तुसी तां ये भी लिखता कि उन्हें शहीद भी नहीं कहना, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, हद है। फिर ऐ करो BJP वाले अपने अपने मुंडे भेज के देख लो ना, अग्निवीर बना के देख लो, अपने अपने मुंडे अग्निवीर बनाओ पहला, वो तो बाद जो मर्जी कर लैन, कि गल 21 साल च आ जाएंगे, उन्होंने रख लियो अपने BJP के ऑफिस के मूहरे सल्यूट मारन।
सो यह बिल्कुल कानून जिहड़ा देश की जवानी के खिलाफ है, देश भगती के खिलाफ है, नौजवानों के जनून के खिलाफ है जिहड़े देश लई रक्षा करनी चाहते हैं। सो मैं प्रस्ताव करदा सर कि सर्वसम्मति नाल इस प्रस्ताव नूं पास किया जाए। मैं खुद होम मिनिस्टर साहब नाल, प्रधानमंत्री साहब नाल मिलके यह मुद्दा उठाऊंगा कि बड़ा वधिया टाइम है, वापस लै लो, नहीं साल बाद किसानी कानूनों वांगू नुकसान करा के इन्हें ने कोई कितने करफ्यू लग रहा है, कितने अग्गां लग रही ने, ट्रेनां सड़ रही ने, बसां चलाईआं ने। इस करके पहले ही कह दो कि कोई गल नहीं जी, कि जिहड़ी गल है सर गलत कानून कई बार बन जाते हैं वापस ले लो, यह थोड़ी है कि जो बनाता बस बोलता बोलता नहीं, क्योंकि ठीक है सानू पब्लिक चो जां इहनू कमेटी कोले भेज दो, कितने डिफेंस कमेटी कोले रिव्यू करवा लो, स्टेक होल्डर नाल गल कर लो, तो सरकार चलाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बड़े मैंडेट नाल बीजेपी आई हुई है, पर इहदा मतलब यह नहीं है कि तानाशाही चलूगी। सो मैं इस बिल नूं सर्वसम्मति नाल पास करन दा प्रस्ताव करदा इस पवित्र सदन दे। प्रश्न है कि केंद्र सरकार वल्लों अग्निपथ स्कीम दे एक तरफा ऐलान कारण पंजाब समेत सारे राज्यां विच वड्डे पद्धर उत्ते विरोध पैदा होया है। पंजाब विधानसभा शिद्दत नाल महसूस करती है कि सिर्फ चार सालां लई नौजवानां नूं नौकरियां देण अते इन्हां विच्चों भी सिर्फ 25% नूं ही अगाह नौकरी उत्ते बरकरार रखण लई स्कीम ना तां देश दी जवानी अते ना ही कौमी सुरक्षा दे हित विच है। इस नीति नाल जीवन भर देश दे हथियारबंद दस्तियां विच सेवा करन दे इच्छुक नौजवानां विचाले बेचैनी पैदा होण दी संभावना है। इत्थे इह जिक्र करना जरूरी है कि देश दे हथियारबंद दस्तियां विच पंजाब दे लगभग 1 लाख तों वध सैनिक सेवा कर रहे हन अते इन्हां विचों कई हरेक साल देश दीआं सरहद्दां दी राखी लई बलिदान दिंदे हन। अपने साहस अते बहादुरी लई दुनिया भर विच जाणे जांदे पंजाब दे नौजवानां लई भारतीय हथियारबंद दस्तियां विच सेवा करना माण अते सन्मान दा प्रतीक है। इस स्कीम ने पंजाब दे उन्हां नौजवानां दे सुपनिआं नूं तहस नहस कर दिता है जिहड़े रैगुलर फौजी वजों हथियारबंद दस्तियां विच शामिल होना चाहुंदे सन। इस स्कीम ने हथियारबंद दस्तियां दी रवायत रही वफादारी ते माण सन्मान दी भावना नूं भी कमजोर कीता है। इह सदन राज सरकार नूं केंद्र सरकार नाल अग्निपथ स्कीम नूं तुरंत वापस लैण लई मामला उठाउण दी सिफारिश करदा है। जिहड़े माणयोग मैंबर प्रस्ताव दे हक विच हन उह हां कहण, जिहड़े माणयोग मैंबर प्रस्ताव दे विरुद्ध हन उह ना कहण। पहली वारी चलो हुण मैं आपदी मर्यादा च रहिंदा जी, मैं समझदा हां कि हां पक्ष दी जित है, हां पक्ष दी जित है, प्रस्ताव स्वीकार होया।